सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष और मैं आप सबका स्वागत करता हूं डिवाइनेंस और प्राचीन कहानिया फैमिली की तरफ से। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिवाइनेंस और प्राचीन कहानिया दोनों चैनल हमारे हैं और अक्सर हम दोनों चैनल पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्राचीन कहानिया पे वीडियो डालते हैं और डिवाइनेंस पे पीएलआर से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आपके साथ में एक अपने क्लाइंट का जो रिसेंटली मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनका क्या था, पीएलआर क्या था, तो उनके जो अनुभव रहे थे जो भी था वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ज़्यादा रोचक है और इससे भी आपको इंसाइट मिलेगी कि अगर आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कराने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिल जाएगा कि देखिए क्या क्या हो सकता है और कैसे होता है। तो मैं उनका नाम और उनका पता, मतलब जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं उसको रिवील नहीं करने वाला क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव चीज़ें रहती हैं। मुझे जैसा अपनी प्राइवेसी पसंद है, आपकी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, तो मैं कभी भी किसी की प्राइवेसी को ओपन नहीं करने वाला। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप भी फ्यूचर में हमारे साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओगे तो आप अपनी प्राइवेसी की, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी की लेकर बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइएगा। और इसी तरह हम उनको एक कहानी के रूप में या ऐसी क्लिप जो बेसिक नॉलेज में सबके आ सकता है, जिससे सबको पता चल सके कि हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ऑन गोइंग है, सिर्फ उसको हम अपने प्रमोट करने के लिए अपने चैनल को यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। तो आपको किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि समझ लो उनका ABC हम नाम रख लेते हैं जिनका भी मैंने किया था, तो ABC थे, जो मैं जगह भी नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने बताया एड्रेस का कि वो इंडिया के कहीं के रहने वाले थे, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो मेरे पास में उन्होंने मुझे अप्रोच किया, वो पहले से ही मेरे साथ में बहुत दिनों से लिंकअप थे और पहले भी वो कराना चाहते थे, उन्होंने मेरे से अपॉइंटमेंट भी लिया है, काउंसलिंग भी कराई है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, क्योंकि पहले हमारी सर्विस रिस्ट्रिक्ट थी कोविड की वजह से, लेकिन अभी हमने सोचा कि कोविड तो बार बार हर बार आ रहा है तो अभी इतना नहीं रुक सकते, क्योंकि बहुत क्वेरीज थी, बहुत लोग नीडी थे जिनकी हमें हेल्प करनी थी। तो हमने क्या करा कि ऑफलाइन का सिस्टम हटा के ऑनलाइन पूरा सेटअप करा। तो रिसेंटली हमने जब उनका PLR करा तो मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए, उनको भी हुए, और आज वो बहुत खुश हैं। और मुझे उन्होंने रिसेंटली कॉल करके और टेक्स्ट करके भी बताया था कि वो कितनी आज उत्साहित हैं और पहले जो एक उनकी चीज़ें रहती थी वो उसमें कितने गड़बड़ थी। तो मैं अब आपको बताऊँगा कि धीरे धीरे चल के कि उनके साथ में अक्सर दिक्कत क्या थी। देखिए, उनको पहले तो एक किसी भी मर्द से भय लगता था, यानी कि जब भी वो किसी पुरुष के आसपास आते थे वो उस पर बिलीव नहीं कर पाती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे कि उनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था कि किसी व्यक्ति से डरते थे, जो व्यक्ति उनको लगता था कि ऐसी कहानी सुनाता था कि कोई आदमी उनको उठा के लेके जाएगा जब वो छोटे थे, एक वो भी फियर था। और थोड़ा पर्सनल है लेकिन मैं उनका जैसे नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत कम थे, इवन दो अपने हस्बैंड के साथ में भी। तो देखिए, ये सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, लेकिन ये सारी हमें बताते हैं आप लोग, और ये हम किसी को नाम लेके शेयर नहीं करते, बस एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, बताने के लिए कि इस तरह से वर्कआउट होता है, इस कहानी को का तात्पर्य बताने के लिए हम ऐसा करते हैं। आई एम रियली सॉरी, आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे कुत्ते भौंकते हुए रोते हुए मिलेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पॉज कर लूँ। अगर आपको डिस्टर्ब ना हो तो मैं कीप कंटिन्यू करता हूँ इस कहानी सुनाने को, और आपको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इन जो भी ये कुत्ते हैं बेचारे, इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनको ये हम तक नहीं आ देना चाहते कि ये वो चीज़ें हम तक आएँ, या जिस भी शख्स के पास में वो आसपास हैं वो स्प्रिट हैं, तो ये कुत्ते नहीं चाहते कि उनके पास में आए। लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं, स्प्रिट अपना काम कर रही हैं, हमें अपना काम करना है, और डरना बिल्कुल नहीं है। देखो, जिस तरह से मेरे चेहरे पर स्माइल है, इसी तरह से स्माइल बना कर रखो। तो चलिए, मैं आता हूँ बैक टू द टॉपिक, और प्लीज़ बेयर कर लेना ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं ये सोच के, तो हमें भी अपना काम करना है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि वो अपने पार्टनर यानी कि हस्बैंड के साथ में भी सेक्सुअली एक्टिविटीज़ में इतने एक्टिव नहीं थे, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उनका एक ये भी टेंशन थी कि देखिए, जब हम शादी करते हैं तो शादी के बंधन में ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसीलिए हम इस बंधन में भी बनते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेसिक सी ये दो चीज़ थी जो हमें पता करनी थी एक्चुअली उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, कि उनको इतना डर क्यों लगता है, किसी भी मर्द के पास आने में ऐसा डर क्यों लगता है, लाइक दैट। तो जब हम उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए तो मैं इसको
कई तरह से बताऊंगा कि सबसे पहले तो क्या हुआ था उनके साथ में, उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी जो उस समय, सिर्फ उस बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कि उनकी मम्मी की जल्दी डेथ हो गई थी, तब वो बहुत छोटी थी, 16-17 साल की थी। इसके बाद में उनके फादर ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको नहीं समझा, और उनके जो भाई थे वो भी उनको छोड़कर चले गए, तो वो अकेले हो गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो अपने घर से कहीं जा रही थी, घर को जाते समय उनके साथ में क्या हुआ, उन्होंने तीन लोगों ने उनको पकड़ा था और उनके साथ में दुष्कर्म करा था, रेप किया था। मैंने एक वीडियो में छोटा सा इंसाइट दिया था कि मैं आपको एक कहानी के रूप में इस पूरी स्टोरी को सुनाने वाला हूँ, तो आज मैं वही काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने उनको पकड़ा था, उसके पकड़ने के बाद में सबसे पहले उन्होंने बहुत दुष्कर्म किया, दुष्कर्म मतलब रेप किया एक्चुअली, और रेप करने के बाद में उनके साथ में क्या किया कि उन्होंने, जब भी ऐसी घटना कोई आपके साथ में, मेरे साथ में, किसी के साथ में भी होगी, तो हम छूटने का और उस वहाँ से बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी उन्होंने भी की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तीन व्यक्ति थे और उन्होंने उनको एक पूरा मोहरा बना के कि ये अकेली है और इसके परिजन इसका साथ नहीं देते, भाई भी इसका चला गया, पेरेंट्स जो ऑलरेडी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, जो फादर थे वो भी इसका साथ नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी अकेला छोड़ दिया था। और वो 16-17 साल की एज क्या होती है आप समझ सकते हो। तो कहीं जा रही थी, उन्होंने उनको पकड़ा, उसके साथ में दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करने के बाद में जब उन्होंने भागने की कोशिश करी, उनसे बचने की कोशिश की, तो उन्होंने उनके मुँह पर कपड़ा रखा, कपड़ा रखने के बाद में उनकी डेथ हो गई। क्योंकि सीधी सी बात है, उनको चाहते थे कि अगर ये यहाँ से भाग जाएगी तो ये आगे बात चलेगी, केस होगा, कार्रवाई होगी। और ये सन था 1869, यानी कि 1869 का ये सन था। और इस समय वो कौन से बर्थ, जो इस बर्थ में थी स्पेसिफिक, तो इस समय वो कौन से कंट्री में थी, चाइना में थी। तो चाइना की कहानी है ये, मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है, अगर कोई स्पेसिफिक सुनना चाहता है तो अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं उनको सुना भी सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका नाम भी रिवील नहीं करना चाहता, उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है। तो इसके साथ में जब वो सारी चीज़ें थीं तो उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में जब वो ऊपर गई थी, यानी कि जब भी किसी की डेथ होती है तो हमारे एंजल्स, जैसे कि मैं हम आपसे बताता रहता हूँ, हमारे कार्मिक अकाउंट के ऊपर एंजल्स, हमारे परिजन, स्पिरिट गाइड, सारे लोग हमें लेने के लिए आते हैं। तो ये भी ऊपर गए थे, जब ऊपर जाने के पश्चात जब इनसे इन्होंने पूछा, इनसे बात हुई, तो ये बहुत घबराए हुए थे। सेशन के समय ही इनके पैरों में बहुत तरह से वाइब्रेशंस आ गई थी, कंपन हो गई थी, कांपने लगी थी इनकी पैरें, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो हमें सेम हूबहू वही चित्र दिखता है ना, कि जैसे मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, और वो आप ही थे। बॉडी दूसरी रह सकती है, आपका जो पूरा बॉडी टेक्सचर है, आप मोटे पतले हो सकते हो, मेल से फीमेल हो सकते हो, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन सोल वही है। तो सोल के अंदर जो सारी स्मृतियां हैं वो उसी को फील करती है, उसी से पता लगता है कि मैं हूँ, कौन हूँ। तो उस समय जब वो कर रहे थे तो कांपने लगे थे, उनको बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। अब जब वो कांपने लगे थे तो ऊपर जब जाके उनकी बात हो रही थी एंजल्स है, तो जब उन्होंने एंजल्स ने उनको शांत किया, यानी कि वहाँ का क्या प्रोसेस रहता है जब एक स्पिरिट यहाँ से जाती है मरने के बाद में, या अपने शरीर छोड़ने के बाद में, या कोई किसी को मार देता है, तो वो सारा प्रोसेस एक वीडियो में मैं फिर से आपको समझाऊंगा। पहले एक वीडियो में शायद मुझे याद है मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आता हूं मैं बैक टू द टॉपिक जो आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो वो वहां पर गए, उन्होंने उनको शांत किया, शांत करने के बाद में उनसे बात की। तो इनका पूरे उस सेशन में जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस पार्टिकुलर इवेंट की बात मैं कर रहा हूँ, सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें उन्होंने यही कहा था कि मैं पृथ्वी पर अब नहीं जाना चाहती। और उनका एंजल से यही सवाल था, देखिए मैंने क्या गलती करी जो मैंने, मुझे ऐसा सब कुछ भोगने को मिला, उन लोगों ने मुझे, यानी कि आत्मिक रूप में बात हो रही है, वो इतने पेन में थी कि उस सारी जो मेमोरी उनके साथ में हुई, उनके जो इस तरह से शरीर को छोड़ा गया, मारा गया, तो सारी की सारी मेमोरी वो लेकर चली गई, क्योंकि उन्हें याद था। और मैंने इवन दो उसी समय उनसे माफ़ी के लिए भी बोला था कि आप उनको माफ़ कर दो। तो सोल लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि सोल लेवल पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं माफ़ नहीं कर सकती उनको। उन्होंने इतना घिनौना काम किया है, और घिनौना काम करने के पश्चात भी उन्होंने उनको मार दिया। तो बहुत ज़्यादा उदास हो सकती हैं ऐसे स्तर पर कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और मैं भी, आप भी होंगे, जब इतनी सारी चीज़ें आपके मेरे साथ में होंगी तो हम भी इसी स्टेज पाएंगे।
तो मैंने ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, बस इतना किया था तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें की अपने स्पिरिट गाइड के साथ में, एंजल्स के साथ में, और जो भी पूरा लेखा जोखा रखते हैं उनके साथ में। तो उन्होंने इस बर्थ में इनको बहुत अश्योर किया था, यानी कि एक तरह से पूरा बताया गया था कि हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे, और आज भी वो रहते हैं नो डाउट। तो ये सारी एक चीज बात थी। इसके साथ साथ में मैं आपको एक मजे की बात और बता देना चाहता हूँ। आपने पृथ्वी पर बहुत सारे सागर देखे होंगे, छोटे छोटे पौंड देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, नदी देखी होंगी, कितनी खूबसूरत लगती है। तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं, और यहाँ से कितने हजार गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सुंदर है। तो जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारा मन नहीं करता कि हम यहाँ से रिटर्न आए या फिर से चले जाए। तो जब ऐसे सिचुएशन बनती है तो उसी समय वो वहाँ पे थे, और मैं उनको बार बार बुला रहा था कि अपने एक प्रोसेस के तहत में कि आइए आप अपने करंट लाइफ में आइए। तो ये बार बार मुझसे मना कर रहे थे कि नहीं, मैं नहीं आना चाहती उस पृथ्वी पर, बहुत गंदे लोग रहते हैं और लाइक दैट, बहुत सारी बातें की। और वो उसको इंजॉय कर रही थी, वो बार बार मुझसे बोल रहे थे कि मुझे ये देखना है, देखने दो। तो मैंने उनको काफ़ी टाइम भी दिया, जो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है उससे ज़्यादा भी टाइम दिया। टाइम देने के बाद भी वो स्टिल चाहते थे कि मैं इसको और एक्सप्लोर करूँ, और उन्होंने फाइनली ये बोल दिया कि आई डोंट वॉन्ट टू बी गो ऑन अर्थ। तो एक तरह से मेरे लिए भी एक विडम्बना थी, क्योंकि मेरा तो काम है कि जो भी हमें उनकी जो समस्या थी उसको क्योर करके, कैसे भी करके उनको वापस लाना था। तो लेकिन बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बता देना चाहता हूँ, देखिए इस तरह से वर्कआउट होती है प्रोसेस। और आज के जो उनके देवर हैं उस बर्थ में, वो उनके फादर थे, और आज उनके देवर को मैं थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ताकि मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ तो बता सकता हूँ। और आज के जो देवर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यही मिली है कि आपने उस समय अपनी बेटी को बीच में छोड़ दिया था, जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो डिप्रेस हो गए थे, लेकिन आज उनके देवर उनके फादर की तरह उनकी केयर करते हैं, रक्षा करते हैं। अब आप सोचोगे कि देखिए कहाँ तो एक फादर थे, कहाँ भी देवर आ गए, कितना डिफरेंस आएगा रिलेशन में। वही मैं बोलता हूँ, कल को कोई आपकी मदर है और आज आपकी वाइफ हो जाए, या कल आपके कोई फादर थे आज आपके हस्बैंड हो जाए, आप यहाँ के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से उसको पचा ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। नेचर के लिए बहुत ईजी है। नेचर क्या चाहता है कि कैसे भी करके आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं वो मेंटेन हो जाएं, वो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएं, और आप इसी तरह अपने डेवलपमेंट को करते जाएं करते जाएं। तो ये नेचर चाहता है। देखिए जिसके सबसे ज़्यादा लाइफ जिसके साथ में स्पेंड होगी, हम उसको बोल देते हैं हस्बैंड है, या फादर है, या पेरेंट्स है, वॉट एवर। लेकिन नेचर ये चाहता है कि इस आत्मा के साथ में इसकी वाइब्स मैच हैं, तो इसके साथ में चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम की स्पेंड करें। आपने बहुत सारे लोगों देखे होंगे कि 95% ऐसे शादी कर लेते हैं और साथ में रहते हैं, 5% शादी नहीं करते, लिव इन में रहते हैं, या दूसरे तरीके से डिस्टेंस में रहेंगे कैसे भी, या एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होके भी एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से रचित होती हैं कि आप इसको एक पबजी का गेम मान सकते हो। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और बहुत ईजिली आ जाएगी, आपको पता लग जाएगी कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो आप मुझे बता सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी, ये सुनने में आपको बहुत रोचक लगी होगी, और अच्छा मज़ा आपने इन्जॉय किया होगा कि जो भी बातें मैंने बताई हैं, और ये बहुत ट्रूथ है। मेरे पास में वीडियो रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्डिंग रखी हुई है, लेकिन बस वही है कि उनकी प्राइवेसी के तहत में मैं सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो उनके भी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, और जो मैं भी आपके साथ में कन्वे कर सकता हूँ ताकि आपको इससे कुछ सीख मिले, वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि डिवाइनेंस फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट करो, इसको आगे बढ़ाओ। वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, प्राचीन कहानियाँ भी, डिवाइनेंस को भी, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लोगों के साथ में शेयर कीजिए। डिवाइनेंस को प्राचीन कहानी से भी ज़्यादा बड़ा बना दो, मैं ये चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक शख्स की, हर एक नीड की मदद कर सकूँ। आज जो 24 घंटे हैं उनको 72 आवर्स में कन्वर्ट करा दो, तो ऐसी प्रे करो। देखिए घंटे तो 24 ही रहेंगे, जो हमारा पूरा एक साइकिल बना हुआ है, लेकिन ऐसा इतना मुझे आशीर्वाद दो, इतना मुझे सारी चीज़ें दो, इतना सपोर्ट करो कि मैं 24 घंटे में ही 72 घंटे के जैसा काम करना शुरू कर दूँ। तो आई होप कि आप मुझे हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की और भी अगर रोचक आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से और भी ऐसी तरह की कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ मुझे पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से। मुझे खुशी होगी उनके जो भी सेशन थे उसको शेयर करने के साथ आपके।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।